काय घूंघट भाई, बहुत दिन बाद दिखी हो, कहाँ चली गई थी? हैं? अरे भैया कहाँ बताएं, भोपाल चक्कर काट रहे थे। बीजेपी ने घास ना डाली और कांग्रेस वाला ने लिस्ट ना निकाली, सो घरे वापिस आ गई। यूं तो पुरखा बैठे थे खवान था। अच्छा, श्राद्ध घर में आ गई हो? हाँ सो हमने सब की श्राद्ध कर डाले भैया, वहां टिकट ले गई थी? गए थे भैया। लेकिन बाहर बताओ भैया, टिकट टिकट तो ना गए, बाहर में गए जा बताओ। तो फिनिक्स पक्षी कौन सो होते हैं? अरे हमें पता है, हमने पढ़ाई करी है भैया, पूरा वो किताब लेके आए पक्षियन की, वहां में हमने पढ़ो। अच्छा हमने कही होती भोपाल में कि हाँ हमारे गांव में तो वे हल्के भैया सबसे पढ़े लिखे वाले भैया है, वे ही बस, बता पाएंगे और हमें। क्या, हम पढ़े लगे हैं, हम हाँ। बताते हैं। का है का है गो? वह पक्षी का हो तो हाँ। बहुत स्पेशल हो तो ये का वो करते भैया? लकैया इकट्ठी कर तो, और लकैया इकट्ठी करके बिल में लगा दे तो आग, अरे भैया और भाई में कूद पत्तो और हाँ मच जा तो, और फिर बाकी राख से फिर जिंदा हो जा तो। ए दैया हाँ अब समझ में आई। बस शिवराज मामा काय कह रहे बार बार, हम फिनिक्स पक्षी, हम फिनिक्स पक्षी। ए भैया एक बात और समझा, का जो लकड़ियन की जो बात आई है, आओ सो लकड़ियां कौन सी, जिनके विपक्ष की लकड़ियां कि इनके पक्ष की लकड़ियां? ये तो तुम्हें जाने पता ए हमें तो जो समझ में आई, देखो विपक्ष की तो छोड़ दो तुम, जो दिल्ली वाले दो भैया लोग हैं ना, है। हाँ उनने लकड़ियन के नाम पे जैसे बड़े बड़े नाम उतार दे यहाँ पे, जो कैलाश विजयवर्गीय है गए, फग्गन कुलस्ते है गए, आओ। और जो नरेंद्र सिंह तोमर है गए हाँ हैं, और बेका नाम है उनको प्रहलाद पटेल है गए हाँ हैं, और जो नरोत्तम दादा तो कब से कह रहे हैं कि हम हाँ मुख्यमंत्री बनेंगे। एवे अच्छा गुरु को आदेश आएगा, गोपाल भार्गव को आएगा। ये आओ। जो सब लकड़ियां बने के, जो शिवराज भस्म करण वाले आते, सो शिवराज ने कह दिया हम तो फिनिक्स पक्षी, तुम कितने भस्म कर दे, हम तोड़ के फिर बन जाएंगे। तुमने बड़ी समझ ए राजनीति भैया की इतने दिन हम है। भोपाल रह के आए भैया, हाँ राजनीति ये सीखी अच्छी हमने। पकड़ी तुमने। ए भैया एक बात और बता दें, का जे सब भुलावे में है मुख्यमंत्री बनने के, शिवराज भैया ने तो खूंटा गाड़ दो है टिकट लेके हैं। तुमने कितो पितर पक्ष में टिकट दो है, बकुर्सी ना यार छोड़ेंगे। सही है, बिल्ले तो कह रहे हो हम फिनेक्स हैं, फिर जिन्ना हो जाएंगे। ए भैया कितो दबाव बनाओ उनने टिकट के लिए, मालूम तुम्हें हम चुनाव लड़े कि ना, हम मुख्यमंत्री बने कि ना, हर मंच से जय बात। अरे भैया वो दिल्ली वाले भैया ने का टिकट देने ही पड़ी सो। लेकिन बिन्ने जा दूसरी लिस्ट में श्राद्ध पक्ष में दे दो इन्हें। ए भैया देखो श्राद्ध पक्ष में टिकट दो, सो कांग्रेस इनने कह दे कि मामा को श्राद्ध कर दो, मामा फिनिक्स पक्षी बन के उड़न लगे। कांग्रेस ही तो भैया, जिन्हें अरे भगवान ही कांग्रेस मालिक है, भैया, कछु बोलते हैं और अपने कुल्हाड़ी पाल लेते हैं पांव उन पे। कांग्रेस में जितने नेता है ना वे प्रवासी पक्षी हैं भैया, शिवराज फिनिक्स पक्षी मर के जिंदा हो जाते हैं, आओ और कांग्रेस के प्रवासी पक्षी हैं। तुमने हाँ टिकट ना दी चुनाव तो के हम टाइम उड़े उड़े, और ये उड़े वो। देखो जो लिस्ट आ रही है इनकी दूसरी, वहां में से कछु बच जाएंगे, हैं वे उड़ गए, कहू बीएसपी में जाएंगे, कि कहू आप आप में मजाएंगे। जाएंगे, बैठे हैं तैयार। हैं आओ तो भैया भैया देखो शिवराज मामा के बस की है फिनिक्स पक्षी बनने, है वो कांग्रेस में जितने सब। ए भैया तुम्हें जब याद हो पिछले बारी की कांग्रेस के प्रवासी पक्षी, वे सिंधिया संग उड़ के सब बीजेपी में आ गए थे, हो उनमें से कुछ लौटना चाहते हैं मालूम ऐसो है। राजनीति की बड़ी गहरी समझ है तुम। ए भैया देखो भोपाल रह के कछु, हमने तो उनसे कही हमारे दो चार लोग हैं हमें वोट दे हाँ देंगे, आओ टिक घास ही नहीं डाली। चलो, तुम तो श्राद्ध करो, खीर वीर खवाओ हमें, आओ भैया बनाइए तुम्हें ना कुछ। बुलाओ हमने जाई लेते, आओ आओ आज तो कतई श्राद्ध दे खाए के जइयो चाय है। में, चाय में टरका रही हो। हाँ, नहीं अभी हम खीर खावांगे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।